हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक हो और अच्छे से सबकी पढ़ाई चल रही है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर लेके आपके सामने हाजिर हूँ। चैप्टर है अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि यहीं से आपकी कंप्लीट केमिस्ट्री फॉर हायर क्लासेस चेंज होगी। इस चैप्टर से हम कार्बन के बारे में जानेंगे, कार्बन के कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रहे हैं, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। हम उनका क्या क्या नाम रखेंगे, IUPAC नेम उनके, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, उनके केमिकल रिएक्शंस कैसे होंगे, हम वो सब चीज़ें इस चैप्टर के अंडर में देखेंगे। तो सभी तैयार हो? अच्छा बेटा, जो कार्बन होता है ये थर्ड मोस्ट एब्यूडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ है, ठीक है? आपके NCERT में पहली लाइन ये दे रखी है, थर्ड मोस्ट एब्यूडेंट मतलब जो सबसे आम तौर पे पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है बेटा? नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन। हर चीज़ में कार्बन अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लकड़ी का नाम लेते हैं वुड। वुड भी किससे मिलके बना है? कार्बन, ठीक है। हम खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज किससे मिलके बना है? कार्बन। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नाम तो सबने सुना होगा, CO2। ये भी एक कार्बन का कंपाउंड है। तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट रहता है, जिससे कि हमें नीड भी होती है। ओके, बाकी भी एलिमेंट्स होते हैं लेकिन ये एलिमेंट्स कार्बन अपनी बॉडी के अंदर मैक्सिमम जो यूज़ होता है कार्बन एंड ऑक्सीजन। ओके, ये चीज़ सबको समझ में आ गई। अब बेटा मुझे बताओ कि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी क्या होती है, किस कितने नंबर पे आता है कार्बन? हम सबको पता है कार्बन 6 नंबर पे आता है। और हमारे बोहर भैया ने एक सेल्स की थ्योरी दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखें तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। याद आए शेल्स? कुछ बोहर्स मॉडल थ्योरी क्लास 9th चैप्टर नंबर 4, वो भी चैप्टर नंबर 4 ही था। उसके अंदर हमने KLMN सेल्स पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग इसकी हमने स्ट्रक्चर लिख ली। अब इसकी वैलेंसी है 4। लास्ट आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ज़रा सा मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ इसका। यहाँ पे बीच में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? रोटेशन कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। 3, 4, क्या बात समझ में आ गई? पहले के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर एल शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये इसके कुछ स्ट्रक्चर हैं। ये स्ट्रक्चर किस किस को समझ में आई है? नहीं आई है, अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए क्लास 9 के जो एटॉमिक मॉडल है, प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल डू फॉर यू। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई सबको? अब दिक्कत क्या है? हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा है आयोनिक कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स? आयोनिक कंपाउंड्स। ये क्या करते हैं? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं। डोनेट ले या तो डोनेट कर देंगे या फिर डोनेशन ले लेंगे, या तो डोनेट करेंगे या फिर दे टेक, ठीक है? डोनेट और लोन। ओके, क्या क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सोडियम और क्लोरीन की बात करूं तो इसकी पावर होती है +1। वैलेंसी कितनी होती है? +1। क्लोरीन की वैलेंसी -1, यस और नो? तो क्या करेगा ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? क्लोरीन को दे देगा। सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं बचेगा,
क्लोरीन की भी आउटर मोस्ट वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लोरीन, ये सोडियम क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन। तो आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आयन्स हैं आपके, वो डोनेशन हो जाता है। ओके, दिक्कत की बात ये है कि कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाले कार्यक्रम में सेट नहीं हो रहा है। ये बोल रहा है ना तो मैं चार लूँगा और ना मैं अपने चार दूंगा। ओके, ना तो मैं चार इलेक्ट्रॉन लूँगा और ना ही मैं चार इलेक्ट्रॉन दूंगा, ऐसा क्यों है उसके बारे में हम अभी सीखते हैं। ओके, मैंने अभी बताया कि आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की का डोनेशन होता है। क्या होता है, डोनेशन होता है। कार्बन ये डोनेशन क्यों नहीं कर पा रहा है, कार्बन ना तो अपने चार इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहा है, कार्बन का मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, चार इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर। अब ये ना तो चार इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, सॉरी डोनेट कर रहा है, ना ही चार इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्यों? तो सबसे पहले हम कारण देखते हैं लेने का, कि ये चार इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर रहा है, गेन वाला प्रोसेस देखते हैं। ओके, चार इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन बाहर से लेने पड़ेंगे। मान लो यहाँ पे आ गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन अंदर घुसने के लिए इन इलेक्ट्रॉन से एक फोर्स लेगा, एक फोर्स इसके ऊपर पड़ेगा। कौन सा फोर्स पड़ेगा, रिपल्सन फोर्स। कौन सा फोर्स पड़ेगा, हमने पढ़ा है कि सेम चार्जेस के बीच में कैसा फोर्स लगता है, रिपल्सन फोर्स लगता है, ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी हमने। तो जब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, मतलब हमें इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर से पावर देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा पावर देनी पड़ेगी ताकि ये शेल के अंदर आ जाए, यस और नो? मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसके अंदर, अभी मैं यहाँ पे प्रोटॉन्स लिख रहा हूँ कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन्स लिखता हूँ। प्रोटॉन्स कितने हैं, छः। इलेक्ट्रॉन्स कितने थे पहले, छः। जब हमने एक इलेक्ट्रॉन शेयर जब इसके अंदर डाला तो प्रोटॉन छः बचे, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, सात, और आउटर मोस्ट में कितने हो गए, पाँच, ठीक है। अभी मान लो कि सेकंड इलेक्ट्रॉन पहुंचा है यहाँ पे, अब सेकंड इलेक्ट्रॉन को लेना है, तो हमारा रिपल्सन फोर्स जो पहले चार इलेक्ट्रॉन्स लगा रहे थे, अब कितने, जो पहले सात इलेक्ट्रॉन्स लगा रहे थे, अब कितने लगाएंगे, सॉरी, जो पहले छः इलेक्ट्रॉन्स जो फोर्स लगा रहे थे रिपल्सन, अब वो सात इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे, मतलब रिपल्सन फोर्स इंक्रीज हुआ या कि फिर नहीं हुआ। ऑब्वियसली बात है, सात इलेक्ट्रॉन मतलब ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो हमें और ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा इसको अंदर घुसाने के लिए। चलो मान लो हमने उतना फोर्स भी दे दिया, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया अंदर, ठीक है, बात समझ आई। अब हमको एक और इलेक्ट्रॉन घुसाना तो हमें और ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी, और ज़्यादा इसको पावरफुल इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो अंदर घुस जाएगा, ठीक है। और हमने लगा दिया, मान लो और हमने लगा दिया, हमने 10 इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर मोस्ट जो शेल थी हमने कंप्लीट कर दी, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल क्या कर दी, मैंने कंप्लीट कर दी। लेकिन एक बात बताओ, क्या यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स भी लगता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी लगेगा क्या, एक बात बताओ। तो ये अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा या कम, ज़्यादा होगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसके अंदर मिल जाएंगे, टच हो जाएंगे, और जब चार्जेस टच हो जाएंगे तब क्या होगा, स्पार्किंग होके वो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बात समझ में आई। छः प्रोटॉन्स में कितना मुश्किल होगा 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना, वो तो आ जाएंगे ऐसे है। जब ऐसे हो जाएगा बेटा तब मुझे ये बताओ क्या ये एटम बचेगा, नहीं, क्योंकि जब अपोजिट चार्जेस स्ट्राइक होते हैं तब हमने ये चीज़ पढ़ी है कि स्पार्किंग होगी और वो दोनों चार्जेस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, हमने चीज़ एट्थ में पढ़ी है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि डाल्टन भैया ने एक चीज़ कही थी क्लास 9th में, डाल्टन भैया ने क्या बोला था, एटम्स
आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन यहाँ अगर ऐसा होगा तो ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर सिक्स प्रोटोन्स टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स. ये बात समझ में आई सबको, अच्छे से समझ में आ गई ये बात कि ये गेन क्यों नहीं कर सकता. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये लूज क्यों नहीं कर सकता है, मतलब ये डोनेट क्यों नहीं कर सकता है, वो सीन भी देख लेते हैं. चलो फिर से कार्बन की, चलो फिर से कार्बन बनाते हैं. ये रहा प्रोटॉन्स और फिर ये इसकी शेल है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, देन आउटर मोस्ट शेल, फोर इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो पॉइंट क्या आता है कि ये चार जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको डोनेट कर देगा तो भी इसका आउटर मोस्ट शेल खाली हो जाएगी, तो स्टेबल हो जाएगा. अच्छा चलो, अभी छह प्रोटॉन्स हैं, छह इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी को दिक्कत इस बात में नहीं है. अभी मैंने मान लो मुझे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है, तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा. होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा लेकिन ये इसको छोड़ना नहीं चाहेगा. लेकिन फिर भी हमने एनर्जी लगाई और हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, पांच. ये इलेक्ट्रॉन गया. ठीक है, अभी क्या हुआ, सेकंड इलेक्ट्रॉन पे लगाना है हमको, ये बाहर निकालना है. ये बाहर निकालेंगे तो हमको और ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा. भाई छः प्रोटॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा. इंक्रीज होगा तो इसको निकालना और मुश्किल, तो हमें और एनर्जी लगानी पड़ेगी. तो हमने मान लो कि हमने सारी एनर्जी लगा दी और इसका आउटर मोस्ट शेल हमने क्या कर दिया, गायब कर दिया. हमने पूरा ये जो चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं हमने ये इसके शेल से निकाल दिए, भगा दिए इनको. चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात थोड़ी सी. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे छः प्रोटॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स, क्या होल्ड कर पाएगा, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं होगा कि ये दोनों इसके अंदर घुस जाएंगे. बात समझ में नहीं आई, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं होगा कि ये दोनों इसी के अंदर मर्ज हो जाएं. तो ये बहुत ही मुश्किल है कि छः, जो छः प्रोटोन है वो दो इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकें. ओके, तो ये डोनेट भी नहीं कर सकता है. ये आपकी बुक के फर्स्ट पेज के ऊपर ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं. तो सर आपने कहा कि जो कार्बन है वो ना इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो सर वो कंपाउंड कैसे बनाएगा फिर. सोचने वाली बात है, कंपाउंड तो बना रहा है, तो फिर कैसे कंपाउंड बना रहा है. बेटा वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बना रहा है. कौन से बॉन्ड्स बना रहा है, कोवेलेंट. कोवेलेंट का मतलब क्या होता है, ये बॉन्ड तब फॉर्म होते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई हो. कब फॉर्म होते हैं बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे होता है, क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोले तो. चलो शेयरिंग का मतलब समझो कि मान लो कोई दो दोस्त हैं, ठीक है, राम और श्याम, या फिर मेरे फेवरेट एक मान लो रवि और एक मान लो आयुष. ओके, दोनों को पिज्जा खाना है, दोनों के पास में 50 रुपए हैं, पिज्जा आता है 100 का, दोनों को पिज्जा जरूर खाना है, दे हैव टू ईट इट, खाना ही पड़ेगा. ठीक है, एकदम भयंकर मन में आ रखी है सर खाने पीने की बातें. चलो कोई नहीं यार, देख लेना.
ठीक है, दोनों को पिज्ज़ा खाना है, पिज्ज़ा आता है 100 रुपये का। तो अब क्या करेंगे, रवि ने आयुष को बोला देख भाई मेरे पास 50 तेरे पास 50 दोनों मिला के 100 रुपये हो गए ना, और पिज़्ज़ा कितने का आ रहा है 100 रुपये का। तो भाई पिज़्ज़े का हमको पिज़्ज़ा ही तो खाना है, आधा आधा खा लेंगे। इस चीज़ को हम बोलते हैं शेयरिंग। अब सर ये कार्बन कैसे करता है वो देखो, कार्बन ना छोड़ के हम उसके पहले अदर एग्जांपल्स देख लेते हैं। जितनी भी गैसेस हैं, नॉर्मल जो गैसेस हैं, सब के सब इसी कोवेलेंट कंपाउंड के ऊपर बेस्ड हैं। फॉर एग्जांपल जो आपकी गैस है दैट इज़ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सभी इसी के ऊपर बेस हैं, क्लोरीन, ठीक है। कैसे देखो, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, Cl2, दोनों में 2-2-2-2 हैं, लेकिन तीनों की फॉर्मेशन थोड़ी सी अलग अलग है। मान लो क्लोरीन लिखा, इसका आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ज़रा बताओ, कितने नंबर पे आता है, 17। फॉर्मेशन कैसी होगी इसकी, 2-8-7, आउटर मोस्ट में 7। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 क्लोरीन। अब ये क्लोरीन बोलेगा देख भाई मुझको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दे, उसने कहा ले जा, क्लोरीन ने कहा ले जा, लेकिन एक शर्त है, तुझे भी मेरे साथ शेयरिंग करनी पड़ेगी। बात समझ में आई। अब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 2, एक इस क्लोरीन ने दिया एक इसने दिया। तो जो ये चीज़ है इसको हम बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं इस चीज़ को, बॉन्ड। कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड। बात समझ में आई। अब अगर बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो देखो ऑक्सीजन आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बात समझ में आ गई, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। ये भैया बोलेंगे भैया 2 आपके दे दो और आप 2 हमारे वाले यूज कर लेना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हुए, 2, तो कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 2। इसको हम बोलेंगे डबल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, ये बात समझ में आई क्या। नाइट्रोजन की बात करते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 3। क्या ये चीज़ समझ में आई सबको, यहाँ पे 3 बॉन्ड शेयर हैं तो हम क्या बोल देंगे, ट्रिपल बॉन्ड बोल देंगे। समझ में आया ये, अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं आपस में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया एक इसने दिया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। जहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन्स ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ में आई सबको, इतनी सी चीज़ समझ में आई सबको। अब यहाँ पे एक चीज़ सीखो, एक चीज़ होगी सैचुरेटेड और एक चीज़ होती है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होगा सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स, सैचुरेट मतलब सिंपल, सैचुरेट का मतलब सिंपल इजी, ठीक है, सैचुरेट का। और यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, जितने भी सिंगल बॉन्ड के आपके कंपाउंड्स होंगे वो सब के सब किसके अंदर आएंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर, और जितने भी डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड
जितने भी आपके कंपाउंड्स होंगे वो सब किसके अंदर आएंगे, अनसेचुरेटेड के अंदर आएंगे। ये चीज़ याद रहेगी सबको। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट्स देखेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कार्बन एक वर्सेटाइल नेचर क्यों कहलाता है, फिर हम देखेंगे IUPAC नेम बनाना सीखेंगे कंपाउंड्स के, ओके, नंबर ऑफ कार्बन पे उनके नाम कैसे चेंज होते हैं, वो सब चीज़ें हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेक श्योर टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज़ कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।